हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा हुआ ये वीडियो है। अब आप देखिए, जिस तरीके से पूरे ऑटो सेगमेंट की हालत ख़राब है, सब कुछ डाउन है, सब कुछ गिरावट पे चल रहा है। बड़े बड़े शेयर्स, चाहे आप मारुति की बात कहो या फिर आप अशोक लेलैंड की बात कहो या आप बात कहो महिंद्रा एंड महिंद्रा की, कोई भी शेयर लगा लो, और सबसे इम्पोर्टेंट तो टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में तो जो ऑटो सेगमेंट में डाउन चल रहा है, उससे पहले ही कई बड़ी बड़ी कंसर्न्स यहाँ पे निकल के आए। जिस तरीके से जैगवार एंड लैंड रोवर ने सारा घाटा उसको दिलाया, उस घाटे की वजह से एक डूबता हुआ जहाज बन गया टाटा मोटर्स। तो क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल पार लगाएगा इस डूबते हुए जहाज को? चलिए देखते हैं क्या कुछ दिख रहा है टाटा मोटर्स में, क्या अपडेट्स हैं। ये देखिए, टाटा मोटर्स एक नई जिप्ट्रॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी है, वो उसकी डिटेल अभी टाटा मोटर्स ने दी है, और आने वाली जो इसकी गाड़ियां हैं उनमें वही जिप्ट्रॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी लगने वाली है। और जिस इस सिस्टम में लिक्विड कूल्ड लिथियम आयन पैक होगा, जो कि 300 वोल्ट की मोटर होगी यहाँ पे। और टाटा मोटर की ये जो न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी है, ये 2020 यानी कि 2019 तो ऑलमोस्ट अब देखिए 2-4 महीने रह गए हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, और फिर 2020 में इसके नए मॉडल्स जो लॉन्च होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, उनमें सब में जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी होगी। और साथ में अगर आप देखो जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी जो इसकी स्पीड है, मतलब जो माइलेज है, अभी तक अगर आप देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली जो ये बैटरी वाली जितनी भी गाड़ियां अगर एक बार आप चलाते हो तो 150 के आसपास की जो है मैक्सिमम रन ये दे पाएंगे, लेकिन यहाँ पे टाटा मोटर्स की 250 किलोमीटर तक की रेंज यहाँ पे दे सकता है। चलिए अच्छी बात है ये, तो अगर 250 किलोमीटर तक की रेंज देगा तो। और ये टाटा टिगोर की जो बैटरी वाली गाड़ियाँ आ रही है उनमें ज़्यादातर ये होने के चांसेस हैं। और दूसरी चीज़, टाटा मोटर्स यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी अपडेट कर रहा है। जिस तरीके से अभी आप देखो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पूरा फ्लीट बिकता है, मतलब 20 गाड़ियाँ, 50 गाड़ियाँ, 100 गाड़ियाँ, लेकिन अब जो पर्सनल सेगमेंट में टाटा मोटर्स आने वाला है, ये भी एक पॉजिटिव बात है पर्सनल सेगमेंट में टाटा मोटर्स। अब और उसके अलावा अगर आप देखोगे जो नई ये पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी जिप्ट्रॉन है, ये मदद कर सकती है अच्छे से। फिलहाल कंडीशन में टाटा मोटर्स की हालत बहुत बुरी है, आप खुद देख लीजिए, प्राइस के मामले में, अर्निंग पर शेयर के मामले में, सेल्स ग्रोथ के मामले में, डेट के मामले में, सब में बिल्कुल नेगेटिव है। लेकिन फिर भी उम्मीदें बहुत है, क्योंकि टाटा का शेयर है, ये देखिए आप बिल्कुल निचले लेवल पे जा चुका है शेयर, ये लो जो बनाया 107 के आसपास का लो बना दिया शेयर ने, वहाँ से अब जो बड़े बड़े वॉल्यूम के टावर दिख रहे हैं धीरे धीरे करके, मतलब ऐसा ये सेकंड टाइम हुआ कि इतने बड़े वॉल्यूम के टावर दिख रहे हैं। इससे पहले भी एक बार ये वॉल्यूम के बड़े बड़े टावर दिखे थे तो शेयर देखिए आप सीधे 170 से 240 तक गया था, लेकिन फिर से ये बड़े बड़े वॉल्यूम के टावर्स दिखने लग गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ऑलमोस्ट देखिए 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच किया इसने, 134 तक गया, लेकिन फिर से गिरावट आई। अब यहाँ पे लग रहा है कि शेयर में मूवमेंट फिर से स्टार्ट हो सकता है, और कल की डेट में जहाँ पर आप देखोगे कि सारे शेयर धराशायी हो गए थे, लेकिन ये शेयर अकेला यहाँ पर अगर आप देखोगे कि पूरे मतलब कि 19 तारीख को देखिए सारे शेयर नेगेटिव में पड़े थे, क्योंकि शेयर मार्केट पूरी नेगेटिव में थी, ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट एक टाइम पे तो 600 पॉइंट शेयर मार्केट गिर गई थी। तो यहाँ पे अकेला टाटा मोटर्स जो है ग्रीन दिखा रहा है, तो ये एक बढ़िया बात है। और साथ में अगर आप इन इन दो लोज को देखें, यानी कि 4 सितंबर वाला लो और उससे पहले 12 अगस्त वाला लो, RSI में स्ट्रेंथ जरूर दिखी है, लेकिन फिलहाल मैं कहूँगा कि अभी ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करे तो एक और स्ट्रेंथ, और साथ में अगर 200 डे मूविंग एवरेज को पार कर ले तो और भी बढ़िया बात है। तो कई सारे यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन, मतलब शेयर बढ़ने को तैयार है लेकिन रोकने वाले बहुत सारे जोन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, इन चीज़ को जरूर ध्यान रखें। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और आपकी अपनी राय टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, और चैनल को अगर आपने तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।